हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो भाइयों हाल फिलहाल में मारुति नेक्सा की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट हमारे सामने आया है। अपडेट के अनुसार मारुति नेक्सा अपनी 5 गाड़ियों में एक नया एडिशन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम रखा जाएगा ब्लैक एडिशन। ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है टाटा के डार्क एडिशन से और हुंडई के नाइट एडिशन से। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि गाड़ी में आपको एक्सटीरियर में फुल्ली डीक्रोम नज़र आएगा। जो भी क्रोम के पार्ट हैं उन सबको डीक्रोम किया जाएगा। गाड़ी के इंटीरियर में भी आपको लेदराइट सीट्स मिलेंगी ब्लैक इंटीरियर के साथ। कोई भी आपको डुअल टोन का फंक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आने वाला। फुल ब्लैक इंटीरियर एंड फुल ब्लैक एक्सटीरियर आपको मिल जाएगा जिससे जो गाड़ी की लुक और स्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और गाड़ी आपको एकदम धांसू नज़र आएगी। तो चलो दोस्तों देखते हैं ये ब्लैक एडिशन किस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। मारुति की जितनी भी प्रीमियम गाड़ियां हैं उन्हें सेल आउट करते हैं नेक्सा के थ्रू, यानी कि नेक्सा में आपको जितनी भी गाड़ियां मिलेंगी वो मारुति की ही हैं, लेकिन एकदम प्रीमियम स्टेज पर वो आती हैं। तो नेक्सा में आती हैं टोटल 5 गाड़ियां: मारुति सुजुकी इग्निस, सियाज, XL6, ग्रैंड विटारा एंड मारुति सुजुकी बलिनो। तो इन्हीं 5 गाड़ियों में आपको मिलने वाला है ब्लैक एडिशन। तो अब बात कर लेते हैं कि इन गाड़ियों के किस वेरिएंट में आपको ब्लैक एडिशन मिलेगा, गाड़ी की जो कॉस्ट है वो क्या होने वाली है और क्या यहाँ पर कुछ इंजन वाइज फीचर्स वाइज भी कुछ बड़े अपडेट होंगे या नहीं, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन भाइयों उससे पहले प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। आज की वीडियो का लाइक एम है 90 लाइक्स, तो प्लीज़ करा देना। तो चलो दोस्तों देखते हैं कौन से हैं वो वेरिएंट्स जिनमें आपको मिलने वाला है ब्लैक एडिशन। सबसे पहले इग्निस की बात करें तो इग्निस के जेटा एंड अल्फा वेरिएंट में आपको ब्लैक एडिशन का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद अगर सियाज की बात करें तो सियाज में आप कोई भी वेरिएंट ले लीजिए, चाहे बेस या टॉप, आपको हर किसी वेरिएंट में ब्लैक एडिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें XL6 की तो यहाँ पर आपको अल्फा एंड अल्फा प्लस इन दो ही वेरिएंट्स में ब्लैक एडिशन का ऑप्शन मिलने वाला है। रही बात ग्रैंड विटारा की तो ग्रैंड विटारा में आपको 4 वेरिएंट्स में ब्लैक एडिशन का ऑप्शन मिल जाएगा: अल्फा, अल्फा प्लस, जेटा एंड जेटा प्लस। तो ये हैं वो 4 गाड़ियाँ जिनके बारे में अभी हमें जानकारी मिली है कि किस वेरिएंट में आपको डार्क एडिशन मिलने वाला है। रही बात बलिनो की तो बलिनो के बारे में अभी तक कोई भी नई जानकारी नहीं मिली, लेकिन जैसे ही कोई नई जानकारी हमारे हाथ लगती है हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचाने की। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी में प्राइस बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि जो टाटा की गाड़ियां हैं उसमें डार्क एडिशन के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ऐसे ही आपको हुंडई क्रेटा के डार्क एडिशन यानी कि नाइट एडिशन के लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मारुति के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ वेरिएंट सिलेक्ट करना है और उसमें आपको डार्क एडिशन चाहिए या नहीं, बस आपको इतना कन्फ्यूजन सॉल्व करना है और आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, वेरिएंट वाइज ही यहाँ पर आपको कॉस्ट पे करनी है, डार्क एडिशन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रखा गया है। तो मारुति के लिए एक लाइक तो बनता है। अब बात करते हैं गाड़ी के फीचर लिस्ट या फिर इंजन स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंज होगा या नहीं, तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो फीचर लिस्ट और जो पावर टेरेंट्स हैं एकदम सेम है, आपको सेम पावर टॉर्क मिलेगा, सेम इंजन मिलेगा, रिफाइनमेंट भी सेम ही मिलेगी और जो फीचर्स की लिस्ट है वो भी आपको सेम ही मिलने वाली है। गाड़ी में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं इंटीरियर एक्सटीरियर के थीम को लेकर, कलर को लेकर, बाकी फीचर्स वाइज कोई भी बड़ा अपडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एक्सेसरी पैक प्रोवाइड किए गए हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरी के ऑप्शन मिल जाते हैं जिनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं आई, लेकिन हाँ आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।